अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अर्निंग एंड लर्निंग। दोस्तों, चैनल रिव्यू की एक सीरीज स्टार्ट की थी बहुत पहले, फिर स्टॉप कर दी गई थी क्योंकि इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था आप लोगों का। लेकिन फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के ईमेल्स मैसेजेस सिर्फ इसी बात पे मबनी आ रहे हैं कि सर हमारा चैनल रिव्यू कर दें और देखें कि क्या मिस्टेक है और क्या गलतियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग मिस्टेक्स करते हैं, कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं, उन बेसिक सेटिंग्स को ही आप इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से चैनल ग्रो होने में थोड़ा मसला हो जाता है। तो आज चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों के ही चैनल्स रिव्यू करते हैं। मैंने एक पोस्ट की थी आज दिन के टाइम, जिस टाइम मैं स्कूल में था उस वक्त मैंने पोस्ट की थी कि जो जो दोस्त अपना चैनल रिव्यू करवाना चाहते हैं तो वो कमेंट कर दें पोस्ट के नीचे, हम उसी में से ही रैंडमली कुछ चैनल्स ले लेंगे और उनको रिव्यू करेंगे। लेकिन वीडियो आप लोगों ने प्लीज़ कम्प्लीट देखनी है। क्यों? क्योंकि इससे ये हो सकता है कि आपका चैनल रिव्यू में के लिए ना आए, लेकिन जो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की जाएंगी हो सकता है वो मिस्टेक्स आपके चैनल में भी एग्जिस्ट करती हों, तो आप लोगों ने उसको ओवरकम कर लेना है। ओवरकम कैसे करना है वो भी आप लोगों के सारे तरीके बता दूंगा। सेटिंग्स जो होती हैं वो भी मैं वेरीफाई करूंगा कि आप लोगों ने की हुई हैं या नहीं की हुई। कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं, वो बेसिक सेटिंग्स सिर्फ इसलिए नहीं होती कि चैनल ग्रो करने के लिए, कुछ यूट्यूब की तरफ से रिकमेंडेड सेटिंग्स होती हैं, वो रिकमेंडेड सेटिंग्स भी देखेंगे और उसके बाद चैनल ग्रो करने के लिए जो बेसिक सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो भी देखेंगे कि क्या आप लोगों के चैनल्स में हैं या नहीं है, तो अगर नहीं है तो किस तरीके से करनी है, हर चीज़ आप लोगों को इंशाल्लाह आज की वीडियो में बताता हूँ। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आप लोगों के चैनल्स। और अगर आप फर्स्ट टाइम है चैनल के ऊपर, अपना चैनल भी रिव्यू करवाना चाहते हैं, हमारे गिव अवेज में हिस्सा लेना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं, यूट्यूबिंग सीखना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल काम करना पड़ेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। अपना चैनल फ्री में गिव अवे भी करवा सकते हैं, मतलब कि सब्सक्राइबर्स भी हासिल कर सकते हैं और चैनल रिव्यू भी करवा सकते हैं। तो हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आज कौन से चैनल्स हैं हमारे पास जिनको हम रिव्यू करेंगे और उनकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की। तो हाँ, मैं इस वक्त लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और ये मैंने आज पोस्ट की थी 6:33, इसके ऊपर कमेंट्स आ चुके हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो जो भी अपने चैनल का रिव्यू करवाना चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम ज़रा जाते हैं कमेंट्स के अंदर और रैंडमली 5 से 6 चैनल्स निकाल लेते हैं। तो लेट्स सी के आई वांट टू रिव्यू माय चैनल। ओके जी, गेमर साहब का चैनल निकाल लेते हैं। उसके बाद आई एम रेडी फॉर माय चैनल रिव्यू, ठीक है जी, इनका निकाल लेते हैं। शफीक जाफरी जिंदाबाद, लव यू मेरी जान, ठीक हो गया जी, अब तो रिव्यू बनता है, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है जी, ठीक है जी। और इसके बाद देख लेते हैं जी, टेक के काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, ये भी टेक्निकल है। पेंटिंग जी, इसका देख लेते हैं और उसके बाद कोई और निकालते हैं जी। थैंक्स फॉर एन इफेक्टिव एक्टिविटी, ओके ब्रो, ठीक है, काफ़ी हैं आई थिंक। जिनका नाम नहीं आया वो परेशान ना हो सकता है जो मिस्टेक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई की जाएं वो उनके चैनल में भी एग्जिस्ट करती हों, ठीक हो गया। तो वीडियो इसलिए तहम्मुल से ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जी, तो इन्होंने होम पे फीचर वीडियो लगाई हुई थी, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे जी ये गेमिंग कर रहे हैं, गेमिंग से रिलेटेड सबसे पहली बात, एक बात याद रखनी है, चैनल मोनेटाइज्ड अगर नहीं है, इनका चैनल मुझे लग रहा है कि मोनेटाइज्ड नहीं है क्योंकि इनके थोड़े थोड़े से व्यूज ही आ रहे हैं अभी तक। अगर चैनल मोनेटाइज्ड नहीं है और आप लोग गेमिंग से रिलेटेड चैनल है आपका, तो मेक इट श्योर कि आपका वॉइस ओवर 100% आपकी वीडियोज में होना चाहिए। 100 केसेस मेरे पास डेली बेसिस के ऊपर रीयूज कॉन्टेंट के आते हैं और उसमें से 90% गेमिंग चैनल होते हैं कि सर जी हमारे गेमिंग चैनल है इसके ऊपर आ गया है रीयूज कंटेंट आ गया, जबकि मैंने खुद वीडियो अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड की थी। तो जब मैं वो प्ले करके देखता हूँ तो उसके अंदर वॉइस ओवर ही नहीं होता। तो ये जो सीन्स आते हैं आप लोगों के, ये सीन्स बाकी लोगों के गेमों में भी चल रहे होते हैं, तो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है ये उसको उनके साथ कंपेयर करके रीयूज कॉन्टेंट भेज देता है। लेकिन अगर आप लोग इसके अंदर अपना वॉइस ओवर यूज करते हैं ना, देन ग्रेट, वेरी गुड हो जाता है, फिर इसके ऊपर आप लोगों को कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो जरा इनका ये 15 सेकेंड की वीडियो है, ये हम प्ले करके चेक कर लेते हैं। और उसके बाद थंबनेल मुझे नहीं अच्छा लग रहा, थंबनेल अच्छा बनाएं प्लीज़, ठीक है। उसके बाद ज़रा हम अबाउट सेक्शन में जाते हैं, कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ आप लोगों ने। ओ भाई, यहाँ पे कम से कम अपने चैनल के बारे में कुछ डिटेल्स दो, यहाँ पे अपने इंस्टा के लिंक दो, अपने वेबसाइट कोई है तो उसका लिंक दो, फेसबुक का लिंक वगैरह दो, सारा कुछ दो भाई। चैनल्स के अंदर किसी अपने दोस्त वगैरह के साथ कलिब्रेट कर लो, उसका चैनल अपने फीचर चैनल में लगा लो, अपना चैनल उसके फीचर चैनल में लगवा लो, ठीक हो गया। प्लेलिस्ट, एक ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर कोई सारी वीडियोस उठा के डाली हुई है नहीं मेरी जान, छोटी वीडियोस के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाएं, लेंथी के लिए अलग बनाएं, किल जिसमें आपने बहुत ज़्यादा किल किए हैं उनके लिए अलग बनाएं, मतलब कि एक कैटेगराइज करके अपने चैनल को चलें, ठीक हो गया।
मतलब कि अगर मैं आपके चैनल पे यहाँ पे आया हूँ तो मैं देखता हूँ जी कि एक प्लेलिस्ट है जिसमें सिर्फ 30 30 सेकंड्स की वीडियो, और मैं इंटरेस्टेड भी 30 सेकंड्स वाले में हूँ, जब क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर 50 50 मिनट की निकल आती है, तो मैं फौरन निकल जाऊंगा। ठीक है, तो मतलब कि टाइटल का इसका नाम भी ऐसा दें कि पता लगे दूर से कि भाईजान इसके अंदर हो क्या रहा है। ओके, हो गया। तो ये चीजें होती हैं, कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं, इनको अपने चैनल में इम्प्लीमेंट किया करें। उसके बाद होप्स हो कि आपने वो किड्स वाली जो पॉलिसी है वो भी अप्लाई की भी होगी। ये देखें जी, दिस वीडियो में भी इन अप्रोप्रिएट फॉर सम यूजर्स, अंडर अंडरस्टैंड एंड विश टू प्रोसीड। ओके, लेट्स सी, देखते हैं जी कि इसके अंदर इन्होंने क्या किया है। तो गेमिंग वाले भाइयों जरा गौर से सुने। ठीक हो गया, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ऐसी वैसी बात है। और ये देखें जी, इन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो पोर्ट्रेट में किया है। वो भाई पोर्ट्रेट में क्यों कर रहे हो, लैंडस्केप में करें। ठीक हो गया, तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है। और एक मिनट, ठीक हो गया। चलें अब दूसरे चैनल पे आते हैं जी, बतूल ब्लॉग्स। बतूल ब्लॉग्स के 931 व्यूज़ हैं, फीचर वीडियो इनकी लगी है, फीचर वीडियो इनकी लगी हुई है। ठीक है, इनके ज़रा वीडियोस में जाते हैं। तो यहाँ पे थंबनेल बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल मज़े का नहीं है थंबनेल। अपना थंबनेल ठीक करें भाई। ठीक है, थंबनेल बनाने का तरीका नहीं आता। लैपटॉप पे बनाना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मोबाइल पे बनाना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो देख लें प्लीज़। ठीक है, और उसके बाद ज़रा होम पे आते हैं, एक मिनट। आपने ठीक है, यहाँ पे इन्होंने चैनल के कीवर्ड्स लगाए हुए हैं, लेकिन चैनल के कीवर्ड्स यार जो व्लॉग और फूड से रिलेटेड जो टॉप रैंक के कीवर्ड्स हैं वो लगाएं यहाँ पे। ठीक है, वो भी मैंने एक वीडियो में समझाए हुए हैं, वो भी आप लोग उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी जाके देख लें कि आप लोगों ने चैनल के टैग्स लगाने कैसे हैं। ठीक है, वो भी समझ लें एक बार। अबाउट सेक्शन में जाते हैं ज़रा। अबाउट सेक्शन में जी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। माई चैनल लिंक ऑन यूट्यूब, ये इसी के दिया हुआ है आपने, और उसके बाद इंस्टाग्राम का दिया, चले ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान, यहाँ पे अपना बिजनेस ईमेल लाजमी दिया करें। ठीक है, चाहे प्लेलिस्ट जरा चेक करते हैं आपकी, कोई प्लेलिस्ट नहीं है भाई। फूड की अलग प्लेलिस्ट बनाएं और व्लॉग्स की अलग प्लेलिस्ट बनाएं। ठीक है, इस तरीके से यार थोड़ा सा ना मैनेज करके चलें अपने चैनल को, क्योंकि आजकल तो ये है अपडेट जो हुआ हुआ है डैशबोर्ड, आप जो वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं उसी दौरान ही वो आपको कह देता है कि भाईजान आप कौन सी प्लेलिस्ट में डालना चाह रहे हैं, तो आप डाल सकते हैं। ठीक हो गया, तो चलते हैं जी जरा न्यू चैनल की तरफ, मोबाइल इन्फो वन। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, यहाँ पे ये जी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बना रहे हैं वीडियोस। ठीक है, थंबनेल भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलें गुड है जी, इनका गुड है। और फीचर वीडियो से लग रहा है कि ये वॉइस ओवर यूज़ करते हैं। ज़बरदस्त यार, थंबनेल आपका अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा हम प्लेलिस्ट में आते हैं। प्लेलिस्ट में यहाँ ऑनलाइन अर्निंग एडिटिंग कोर्सेस, गुड हो गया, गुड हो गया, वेरी गुड यार, शाबाश। चैनल्स में जाते हैं जी। अच्छा, ये तो ये है फीचर चैनल, कोई फीचर चैनल नहीं है। फीचर चैनल किसी दोस्त का ऐड कर लें और उसके चैनल में अपना ऐड करवा लें। अबाउट सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे कोई डिटेल्स इतनी खास नहीं दी हुई। यहाँ पे अपना बिजनेस ईमेल दें, यहाँ पे अपने इंस्टा वगैरह के लिंक्स विंक्स भी दें। ठीक है, होम पेज पे आते हैं जी, ज़रा देखते हैं कि इन्होंने चैनल के टैग्स दिए हैं। सॉरी, यहाँ पे चैनल के बिल्कुल थोड़े से टैग्स दिए हैं भाई, चैनल के टैग्स यहाँ पे ज़्यादा डालें। ठीक हो गया, ओके हो गया जी, बेस्ट हो गया, ये आपका चैनल जो है वो माशाल्लाह ठीक जा रहा है। यहाँ पे अब आते हैं जी नेक्स्ट, पेंटिंग पेंटिंग पॉट गैलरी बाय मरियम यूसुफ। एक तो चैनल का नाम इतना लंबा रख दिया, ठीक है, फिर भी मसला कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जी देखें जी, 30 दिनों में 2 वीडियोज अपलोड हुई हैं, खुदा का खौफ करें जी, 30 दिनों में 2 वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, और फिर ये आप एक्सपेक्ट करें कि जी मेरा चैनल स्पीड अप ग्रो हो, ऐसा नहीं होता मेरी जान। ठीक है, अब जाते हैं जी जरा, ये इन्होंने चैनल टैग बहुत अच्छे दिए हुए हैं। ठीक है, शुक्र है, ये तो दिए हुए हैं। बाकी इन्होंने चैनल इनका जबरदस्त है, थंबनेल बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। प्लीज ये देखें, 2 महीने गुजर गए हैं और इतनी सी वीडियोज अपलोड हुई है, तो प्लीज थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखें। आपका चैनल माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, आपका आइडिया, आपका कंटेंट बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखें, आई थिंक ये बिल्कुल रियल वीडियो है भाईजान, वॉइस ओवर के साथ है, जबरदस्त बेस्ट है। थंबनेल थोड़ा सा मजीद फोकस करें। अब ये जो थंबनेल है ये देखें, यकीन करें कि मुझसे नहीं पढ़ने हो रहा कि ऊपर क्या लिखा है, हाउ टू पेंट आ, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, प्लॉट, आगे रैक पार्ट, घुस के देखना पड़ता है। ठीक
ठीक है, तो मतलब कि थंबनेल पे थोड़ा सा फोकस करें। ये देखें, ज्वाइनिंग राइटिंग में ना लिखें भाई, किसने कहा आपको, ये देखें ये कितना क्लियर पढ़ा जा रहा है, पेंटिंग प्लॉट आइडियाज, ठीक है, इजी। तो इस तरीके से ये बिफोर आफ्टर कितना क्लियर पढ़ा जा रहा है, तो मतलब कि यूजर को इरिटेट ना करें, बिल्कुल जो आपके मतलब के कंटेंट के अंदर है, साफ सुथरे लफ्जों में लिखें, राइटिंग स्टाइल्स के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास अलराफे कंप्यूटर्स, ठीक है जी, जबरदस्त। इनका तो एक तो ये बहुत जबरदस्त है चैनल, आर्ट इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लाइफ टाइम ठीक है, लास्ट 30 डेज में 13 वीडियोज हैं, मेरे लिहाज से कम है लेकिन फिर भी ठीक है, और ये भी इन्होंने अच्छे लगाए हुए हैं, ठीक है। चैनल के कीवर्ड्स जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे इन्होंने ये लगाए हुए हैं, थंबनेल्स अपने लगाए हुए हैं। वीडियोस के ऊपर जरा अगर बात की जाए तो ठीक है, ठीक है, थंबनेल ये देखें जी, कितना क्लियर पढ़ा जा रहा है, इन पेज उर्दू इन वन वीडियो, कितना क्लियर पढ़ा जा रहा है यहाँ पे। फिर थोड़ा सा इन्होंने ना ये देखें, ये कस्टम व्यू कितना क्लियर पढ़ा जा रहा है। तो इस तरीके से थंबनेल जो होता है ना, एक अच्छे कारोबारी के मुंह से मैंने सुना था कि बेटा जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखाएंगे अच्छा तो बिकेगा अच्छा ना। ये देखिए आप, ये इसमें कितनी खिच पिच, कितनी खिच मिच बनी हुई है, खिच मिच नहीं डालनी, ठीक हो गया, क्लियर। बाकी बहुत अच्छा जी, जबरदस्त, और राफे साहब बहुत जबरदस्त। अबाउट सेक्शन में जाएं, वेरी गुड, ये होती है डिस्क्रिप्शन, ये होता है जी इनका मतलब के बिजनेस ईमेल इन्होंने दिया हुआ है, जबरदस्त, बहुत आला। यहाँ पे इन्होंने अपना सब्सक्राइब का भी दिया, फेसबुक पेज, ट्विटर लिंक, वेरी वेरी गुड जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल राफे कंप्यूटर्स, कीप इट अप एंड बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट जाते हैं, ओ नेक्स्ट खत्म हो गए, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये थे आज के कुछ चैनल्स, तो इंशाल्लाह हम मजीद भी चैनल्स रिव्यू करते रहेंगे आप लोगों के, मैं पोस्ट जब भी करूंगा, आप लोगों का काम है कि बस चैनल उस पोस्ट के नीचे कमेंट कर दिया करें, ताकि आप लोगों के चैनल भी रिव्यू हो सकें, बेसिक चैनल की सारी सेटिंग्स जो हैं वो कर लिया करें, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थंबनेल पे फोकस करें, थंबनेल अच्छा बनाने की कोशिश करें, उसके भी मैं लिंक्स दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो भी देख लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी जो आपके मसले मसाइल हुए वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। कल जो आने वाली वीडियो है गूगल एड्स के रिलेटेड है, कि आपने गूगल एड्स अगर चलाने हैं तो वीडियो कैसी बनानी है और गूगल एड्स चलाना कैसे है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आप लोगों और हम लोग आपस में बार बार मिलते रहें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज भी आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।